हेलो जी, व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने बाइक ग्लैमर एक्सटेक का चार्जिंग टेस्ट का वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो आप देख सकते हैं, आज मैं इससे अपने पोको X3 फ़ोन को चार्ज करूँगा। और आप देख सकते हैं 8:12 हो रहा है और ये स्टॉपवॉच को ऑन करते हैं। भाई ऑन हो जा, स्टॉपवॉच को ऑन करते हैं। ओह, इसको चार्ज में लगाते हैं, उसके साथ ही स्टॉपवॉच को ऑन करेंगे। बाइक किए स्टार्ट, इसको ऑन किए, ये 79% है। 8:12 स्क्रीनशॉट करते हैं और निकलते हैं 10 मिनट के लिए और देखते हैं 10 मिनट में 8:22 में कितना परसेंट चार्ज होता है। इसको लॉक करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। वीडियो में बने रहते हैं और पूरा वीडियो बनाते हैं। आज तो देख सकते हैं पूरा हाईवे खाली है। आज बाइक को वैसे ज़्यादा खींचने वाले नहीं है। ये सर्विसिंग का रिमाइंडर चल रहा है क्योंकि मैंने टाइम से पहले ही सर्विसिंग करवा दिया था इसका, इसलिए सर्विस रिमाइंडर ऑन है। और इसका भाई मैं बता रहा था लेग गार्ड का, इसका लेग गार्ड के साथ मुझे काफ़ी प्रॉब्लम लगा, काफ़ी बेकार है। और इसका लेग गार्ड बेकार है। अब चार्जिंग का भाई काफ़ी सारे यूट्यूबर्स का मैंने वीडियो देखा, उन्होंने बताया 10 मिनट में फिर 1% चार्ज होता है। तो उनका आईफोन था, किसी का वन प्लस था, अपने पोको X3 का देखता हूँ भाई। फ़ोन तो ऐसे फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और बाइक में लगाने के बाद फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं करता। और देखते हैं 10 मिनट में कितना परसेंट चार्ज होता है। और मैं अपनी सैमसंग गलेक्सी A13 उसका भी वीडियो लेकर आऊँगा, वो कितना 10 मिनट में वो कितना परसेंट चार्ज होता है। तो पूरा वीडियो इसी चैनल पे आने वाला है। नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कर दें। अभी थोड़ा भगा लेते हैं बाइक को, ज़्यादा दूर जाना नहीं है मुझे। चौक गियर डल चुका है, बाइक को थोड़ा 67 का स्पीड। इसका कल लेग गार्ड ने मुझे काफ़ी अच्छा, भाई कितना भी बेकार क्वालिटी है पर लेग गार्ड का काफ़ी साथ दिया मेरा भाई। वो डिवाइडर जो है साइड में, उसमें जाकर मैं टकरा गया था और लेग गार्ड की वजह से बच गया, नहीं तो मेरा बाइक का टंकी जाकर उसमें लगता। वो हुआ था भाई ये राइडर की वजह से। मैं उससे मिलने के लिए काफ़ी दूर चला गया था। उस उनका यूट्यूब पे चैनल है और उनका नाम है बैड बॉय एडवेंचर। वो भाई राजस्थान से ये सिक्किम के लिए जा रहे थे और वो मुझे यहाँ पे मेरे गांव में मिले और मैं यहाँ से उनका पीछा करते करते मोतीपुर तक, मैं 10 किलोमीटर वहीं तक चला गया था। तो वो भाई मिले मुझे, उनसे मिले, मतलब बहुत देर काफ़ी अच्छी तरह से बात किया उन्होंने। ऐसा नहीं कि भाई राइडर हैं तो बात नहीं करेंगे, ये वो काफ़ी अच्छा बात किया उन्होंने। तो काफ़ी देर तक बात किया और फिर गए। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल का नाम बताया, मैंने पूछा, उन्होंने मुझे वीडियो में लिया, बोला कि भाई कल तुम वीडियो में आओगे, पर अभी तक उनका वीडियो आया नहीं है। उनको इंस्टा पे मैसेज भी किया हूँ पर अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिला, लग रहा भाई अभी बिजी होंगे। तो अभी मेरा बाइक, और मैं इसमें बता दूँ, एक भाई ने कमेंट किया हुआ था, पता नहीं उनका यूट्यूब पे क्या लैंग्वेज, भाई अपना नाम तो मतलब आपका भाई यूट्यूब चैनल आपका पसंद है जो नाम लिखा, पर मुझे उनका नाम समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला था भाई लेग गार्ड का प्राइस कितना है, तो भाई लेग गार्ड मुझे 800 में पड़ा हुआ था और ये 800 में मैं बोलूँगा ना ही लो तो बेटर है भाई। आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो, वहाँ पे काफ़ी सारे आपको मतलब आपके पसंद के भी मिल जाएंगे। अपाची पल्सर जो मोटा वाला लेग गार्ड लगता है उसका भी भाई क्वालिटी अच्छा होता है, उतना भी बेकार नहीं होता है, तो आप उसको भी लगा सकते हैं। और आप हीरो के साथ जाना चाहें तो हीरो में भी जा सकते हैं, वो आपका पसंद है, आपका पैसा भाई, आप कहीं पर भी जाओ। छी छी भाई ये क्या हो रहा है, और क्या बोला जाता है भाई। नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है TVS XL 100, जो कि TVS का एक तो लो प्राइस में बेस्ट बाइक, मतलब एक नॉर्मल यूज के लिए भाई काफ़ी बढ़िया बाइक है वो। और उसका चार्जिंग टेस्ट करेंगे, उसका मैंने काफ़ी टाइम से यूज कर रखा है तो मुझे पता है भाई उसका चार्जिंग और इसके चार्जिंग में बहुत का अंतर आ जाएगा। क्योंकि ग्लैमर हीरो का है, हीरो का चार्जिंग में काफ़ी ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। अगर आपको वैसा फास्ट चार्जिंग चाहिए तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, क्योंकि हीरो का उतना अच्छा क्वालिटी नहीं है। और TVS का जहाँ तक बात है तो TVS का भाई कुछ हद तक तो इससे बढ़िया है, क्योंकि मैंने उससे अपना फ़ोन को काफ़ी देर तक चार्ज किया। मेरा Redmi Note 5 Pro था उसको भी मैंने चार्ज किया हुआ उससे, और मेरा ये पोको X3 को भी उससे चार्ज किया था। उसका चार्जिंग टाइम कुछ तो अच्छा है इससे, कितना 8:17 हो चुका है। आइस में निकालेंगे और देखेंगे कितना चार्ज होता है। इसको थोड़ा कम कर देते हैं क्योंकि
हवा ज़्यादा आ रहा है तो 17-22 के लिए मिल जाए, क्योंकि मैंने नॉर्मली हेडफोन का माइक लगा रखा है अपने हेलमेट में। माइक में खरीदने वाला था फ्लिपकार्ट से भाई, लेकिन अभी मैं ले नहीं पाया, छठ का ऑफर में मैं ले नहीं पाया। बाद में देखूँगा, कैमरा के साथ मुझे लेना है, एक्शन कैमरा और माइक दोनों तीनों साथ में लूँगा, और उसका होल्डर भी अलग से लूँगा। हेलमेट में साइड में लगाना है उसको, और एक बाइक में लगाने के लिए फ़ोन होल्डर चाहिए, तो वो सब तीनों चारों मतलब सब चीज़ एक ही साथ लूँगा मैं। और भाई एक और 8:18 हो चुका है, बाइक में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गया, आगे का वाइजर से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, तो जाएंगे सर्विसिंग में भी तो उसको भी चेक करवाने हैं, क्योंकि पता नहीं भाई हाईवे पे तो पता नहीं चलता है, ऐसे गांव के रास्ते में जाने पे खटर खटर करते रहता है, तो वो काफ़ी बेकार लगते हैं। और अभी मेरा क्या 7 मंथ हो चुका है बाइक का, और आप देख सकते हैं 3058 किलोमीटर चला है, सिर्फ और सिर्फ 3058 किलोमीटर। जैसे यू टर्न है, वहाँ से यू टर्न लेते हैं और चलते हैं अपने वापस, क्योंकि मैं कितना 4-5 किलोमीटर तो आ ही गया हूँ, और जाते जाते 10-15 किलोमीटर हो जाएगा। अभी सुबह का हो रहा है, 8:58, 8 सुबह ही निकल गया हूँ, और आज सुबह वीडियो भी आ जाएगा, क्योंकि भाई कितना दिन से मेरे चैनल पे कोई वीडियो आया नहीं है। एडिट करता हूँ, एक वीडियो भी है, मैं उस दिन राइड पे गया हुआ था रात में मुजफ्फरपुर के लिए, तो पूरा 1 घंटा का वीडियो है, उसको मैंने छोटा वीडियो कट करके बनाया, पर वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया क्योंकि 3.5 GB का था, और उसको थोड़ा मैंने म्यूजिक ऐड किया, उस पर कॉपीराइट आ गया, फिर मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। तो आज बिना म्यूजिक का सिर्फ बाइक राइड का वीडियो आएगा, 36-37 मिनट का है वो, काफ़ी अच्छा वीडियो है। अच्छा क्या भाई, नाइट का वीडियो है, सिर्फ उसकी स्पीड मीटर भी पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है, मीटर भी ढंग से शो नहीं करता है रात में, ये तो बाइक के साथ प्रॉब्लम है, हर बाइक के साथ होता है वैसे, और इसमें स्टिकर लगा कर अच्छा बना लो वो बात अलग है, और हर बाइक के साथ होता है। और भाई आज हाईवे खाली है, तो काफ़ी मज़ा भी आ रहा है चलाने। इधर से 19 मिनट हो गया, 3 मिनट के लिए बाइक को खींचते हैं लगभग 100 के आसपास से, भाई मोड़ते हैं तो फिर भी खींचेंगे काफ़ी दूर तक, चेक करते हैं कोई आए ना बीच में। बाइक खींच दिया, सेकेंड गियर 40 का स्पीड, गियर 40-52, मैं गियर चैलेंज नहीं कर रहा भाई, बस चेक कर रहा हूँ अपने बाइक को। 70 रुक जाता है ABS से। मैं अपने बाइक का ब्रेक ना ABS से अच्छा मानता हूँ, क्योंकि इस ब्रेक में ना मुझे हाईवे पर 3-4 बार ऐसा भाई बहुत ज़्यादा साथ दिया है मेरा, 3-4 बार मैंने ट्रक के अंदर घुसने से बचा हूँ इसी बाइक की वजह से और इसका ब्रेक की वजह से। तो ABS वाला बाइक के चक्कर में भाग रहा था, पर मिल गया ABS का, मुझे ABS मिल गया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका ब्रेकिंग, ब्रेक दोनों ब्रेक काफ़ी अच्छा है। और 8:25 देखते हैं और देखते हैं फोन पर कितना परसेंट चार्ज हुआ, क्योंकि रुकने में भी टाइम लगेगा, 8:22 हो चुका है, तो यहीं पे रखते हैं। ये देखो भाई रुक गया, बंद करते हैं अब इसको ऑफ, अब चेक करते हैं कितना परसेंट चार्ज हुआ। भाई ये देखिए 8:22 हो चुका है,
और ये ओ भाई 80% 1% चार्ज हुआ मत। अभी मैं स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा, ये गया ओ भाई, इसमें ये गया गैलरी और ये रहा स्क्रीनशॉट। 8:12, 12 मिनट, 10 मिनट, 22 मिनट, 79 था। आपको पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, 79 से ये 80% हुआ, 10 मिनट में 1% चार्ज हुआ। तो भाई इसका चार्जिंग काफ़ी बेकार है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।